दोस्तों, ये क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी जिसका कोऑर्डिनेट 2-3 है एंड क्यू जिसका कोऑर्डिनेट 10y है इज 10 यूनिट। यानी कि दो पॉइंट हमें दिया गया है, पी जिसका कोऑर्डिनेट 2-3 है और क्यू जिसका कोऑर्डिनेट 10y है, और पी क्यू के बीच का दूरी जो है वो 10 यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्यू का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो चूंकि हमें डिस्टेंस पी और क्यू का हमें दिया हुआ है, मालूम है, तो हम डिस्टेंस की फॉर्मूला के यूज़ से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज़ से पी और क्यू का वैल्यू, पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस कितना होता है। तो पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2-10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3-y का होल स्क्वायर, और दिस इक्वल्स टू 10 हमें दिया हुआ है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड LHS में हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3+y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का स्क्वायर जो है प्लस ही हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, यानी कि 10 के बराबर जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS में हमें स्क्वायर दिख रहा है और RHS यानी कि राइट हैंड साइड में 10 दिख रहा है। तो हम इसको अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यानी आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव क्या मिलेगा हमें दोस्तों? तो इसको आप कैलकुलेट जब करेंगे तो 64 + 9 + 6y + y² = 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और LHS में हम लोग स्क्वायर ऑलरेडी कर चुके हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 73 + 6y + y², ये है लेफ्ट हैंड साइड में बायां पक्ष में, और राइट हैंड साइड दायां पक्ष में 100 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, तो 100 को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये 73 से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएंगे वो हो जाएंगे y² + 6y - 27 = 0। अब ये दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास, जहाँ से हमें y का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो अगर इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में y - 3 × y + 9, दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप या तो y - 3 = 0 करेंगे या y + 9 = 0 करेंगे, जहाँ से y का एक वैल्यू आएगा +3 और दूसरा वैल्यू आएगा -9। ये दोनों ही वैल्यू y का मान हो सकता है। अगर आप इस दोनों वैल्यू को y के बदले में रख सक देंगे तो आपको p और q के बीच का डिस्टेंस आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ से y का वैल्यू आ गया 3 और -9।